अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। आप इजी पैसे का आपका अकाउंट होगा तो आपको, यानी कि आप किसी भी बैंक में अपने पैसे सेंड कर सकते हैं, इजीली अपनी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसका तरीका कार मेथड लेके आया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है भाइयों से के भाई वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इजी पैसा, मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है, तो आपको जस्ट, यानी कि ये मेरा अकाउंट है, देखें तो 100 रुपीज़ है। आपके अकाउंट में 1 लाख हो, जितनी भी हो, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको, यानी कि आपने बैंक अकाउंट में आप मिनिमम 50,000 सेंड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 सेंड कर सकते हैं। मिनिमम ट्रांजैक्शन 15,000, 10,000 मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन है इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन पे है मनी ट्रांसफ़र, यानी जो इजी लोड के साथ है ना मनी, आपने इसको प्रेस करना है। करने के बाद आपने यहाँ किस आदमी को सेंड करना है, यानी कि किस लड़के को करना है, उधर उसका नंबर ले देना है। मिसाल के तौर पर देखें, ये मैंने किया है हसन भाई को करना है, मैंने हसन भाई का नंबर यहाँ लिख दिया। यहाँ आपके पास बैंक अकाउंट है, बैंक में आपने अपनी मनी ट्रांसफ़र करनी है, तो ए 1, 2, 3 तीसरी ऑप्शन में बैंक अकाउंट है, आपने बैंक अकाउंट में चले जाना है। यहाँ काफ़ी बैंक हैं, अलाइड बैंक, अक्सरी बैंक, ये सारे बैंक हैं, जिस ये सारे आ रहे हैं, बैंक ऑफ पंजाब टोटल जिसमें बैंक आ रहे हैं, जैज कैश भी बैंक है, मीज़ान बैंक है। तो कहने का मकसद है, मेरे दोस्त का बैंक अकाउंट कौन सा है उसने मुझे बताया था, एक मिनट ज़रा, शोर ही बहुत है इधर तो। हाँ, मीज़ान बैंक था, उसने अकाउंट मैंने उससे लिया था भाई से, मीज़ान बैंक इधर लिखा होगा, ये मीज़ान बैंक आ गया, ठीक है ना। मीज़ान बैंक का मेरे पास दोस्त का अकाउंट है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं, आगे जाते हैं। ये देखें आगे आ गया है, मिसाल के तो अकाउंट नंबर हम लिखेंगे यहाँ, ये मैंने अकाउंट लिखा है, यहाँ मैं अमाउंट लिखूँगा 100 रुपीज़, 1, यानी जितनी भी आप लिखें, आप बैंक में ट्रांसफ़र मनी करनी है, यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। देखें यहाँ ऊपर आपने उस, यानी कि लड़के का बैंक अकाउंट लिखना है, बैंक अकाउंट जो मुकम्मल हिस्सों पे होता है, यानी कि 14-11 हिस्सों पे होता है बैंक अकाउंट, ये ऊपर उन्होंने लिखा हुआ भी है कितने हिस्सों का होता है। तो जस्ट ये आपको समझाने के लिए है, 100 मैंने लिखा है कि आपने इस तरह मनी ट्रांसफर, नीचे लिखने की कोई रेफरेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ नहीं होता उससे। तो यहाँ से आप, मैंने नेक्स्ट करूँगा, आगे ट्रांसफ़र मनी आई, ये देखें वो कह रहा है कि मीज़ान बैंक, ये ऊपर उसने मेरा नंबर दिया हुआ है कि मेरा अकाउंट है, इसमें से ये भाई को पेमेंट चली जाएगी, जुलकर नैन उसका नाम है दोस्त का, तो 100 यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा, पेमेंट आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी ये बैंक अकाउंट में। ये देखें नीचे बैंक नेम लिखा हुआ है, रिसीवर अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, रिसीवर अकाउंट नंबर जुलकर मोहम्मद हसन का नाम आया हुआ है, तो बैंक नेम आया मीज़ान बैंक है। तो यहाँ से मैं सेंड करूँगा तो ये मनी ट्रांसफ़र फ़ौरन हो जाएगी। आपने 30,000 करना है, 40,000 करना है, तो वो सेंड हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ये तरीका बहुत आसान है, इसी तरीके से करना है, लिहाजा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।